listen, speak, read and write. If you like my video, then please subscribe. Let's learn 20 birds' name in English and Hindi. यह पक्षी है पैरट। पैरट इसको हिंदी में बोलते हैं तोता। यह हरे रंग का 10-12 इंच लंबा पक्षी है, जिसके गले पर लाल कंठा होता है। यह पक्षी है पीजन। पीजन इसको हिंदी में कबूतर कहते हैं। पुराने जमाने में इसका प्रयोग पत्र और चिट्ठियां भेजने के लिए किया जाता था। यह बर्ड है स्पैरो। स्पैरो इसको हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया एक बहुत छोटी पक्षी है। यह हर जगह पाई जाती है। यह बर्ड का नाम है ईगल। ईगल इसे हिंदी में गरुड़ कहते हैं। पक्षियों का राजा गरुड़ पक्षी को ही माना जाता है। इस बर्ड का नाम है आउल। आउल इसे हिंदी में उल्लू कहते हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट से दिखाई देता है। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इस बर्ड का नाम है पीकॉक। पीकॉक इसे हिंदी में मोर कहते हैं। 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। यह बर्ड का नाम है स्वान। स्वान इसे हिंदी में हंस कहते हैं। हंस अपनी सुंदरता और लावण्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस पक्षी का नाम है डक। डक इसे हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख एक निहायत ही सुंदर पक्षी है, जो अमूमन पानी पर रहता है। इस बर्ड का नाम है क्रो। क्रो इसे हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा पूरी दुनिया में पाया जाता है। कौवे की मुख्य पहचान उसकी कर्कश काव काव की आवाज और उसका काला रंग होता है। इस पक्षी का नाम है पेंगुइन। पेंगुइन इसे हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका द्वीप पर पाए जाते हैं और ये पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। इस बर्ड का नाम है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इसे हिंदी में शतुरमुख कहते हैं। शतुरमुख एक कमाल का पक्षी है, जो पक्षी होने के बावजूद उड़ नहीं पाता है, लेकिन यह जमीन पर तेज दौड़ने में माहिर है। इस बर्ड का नाम है रॉबिन। रॉबिन इसे हिंदी में भी रॉबिन कहते हैं। रॉबिन पक्षी दुनिया का एक खूबसूरत और आकर्षक पक्षी है। यह पक्षी छोटी चिड़िया के समान है। इस बर्ड का नाम है हेन। हेन इसे हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी एक पक्षी है जिसके पंख होते हैं, लेकिन यह कम ऊंचाई पर थोड़े समय के लिए उड़ पाती है। यह पक्षी का नाम है कीवी। कीवी इसे हिंदी में भी कीवी कहते हैं। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह न उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है।
इस बर्ड का नाम है वल्चर। वल्चर इसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। काले रंग के भारी कद के पक्षी है। इस पक्षी का नाम है वुडपीकर। वुडपीकर इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। इसकी चोंच काफी मजबूत और नुकीली होती है। यह एक हथौड़े की तरह होती है। यह अपनी चोंच से पेड़ की छाल को तोड़ सकता है। इस बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इसे हिंदी में गुंजन कहते हैं। यह एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ता है। इसके साथ साथ यह एक जगह हवा में खड़ा भी होता है, जिसके कारण इसे हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है। इस बर्ड का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इसे हिंदी में धनेश कहते हैं। यह दिन के समय सक्रिय रहता है। रात को यह पक्षी बर्ड का नाम है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो इसे हिंदी में राजहंस पक्षी कहते हैं। राजहंस बेहद खूबसूरत एवं आकर्षक पक्षी है। इस बर्ड का नाम है नाइटगेल। इसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं। ईरान देश का राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल है। बुलबुल अपनी मधुर आवाज के लिए विख्यात है।